हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन हाई स्कूल क्लासेस। तो प्रीवियस क्लास रे हमें कौन देखते ले? ना बैक्टीरिया रो शेप विषय देखते ले। तो बैक्टीरिया को किंगडम अंडर जाउथला ना किंगडम मोनेरा अंडर जाउथला। तो पूरा हमें किंगडम मोनेरा रो कौन सब क्लासिफिकेशन थिला और बैक्टीरिया रो कौन से विषय देखते ले बुझा पड़ी ना टिके रिविजन करदेब देन आम आगे बढ़िया है। तो बैक्टीरिया रो शेप आम देखी केते प्रकार शेप थिला ना बेसिकली बैक्टीरिया रो शेप होची बेसिकली जेनेली देखा गले आम चारि प्रकार देखी कौन कौन थी टी मन पक दि ना फर्स्ट थी मोर कॉकस बैक्टीरिया, सेकेंड थी मोर बासिलोस बैक्टीरिया, देन थी मोर स्पाइरिलो, नेक्स्ट थी मोर विब्रियो विब्रियो। टोटल मोर चारि प्रकार सेप देखा मिलूला बेसिकली। तो गोटे हूँ कॉकस, देन आ गोटे हूँ बासिलोस, देन तापरटा हूँ स्पाइरिलो, देन तापरटा हूँ विब्रियो। तो कॉकस माने मु कौन बोली कही थी ना राउंड शेप बैक्टीरिया, राउंड बा स्पेरिकल। राउंड माने कौन गोल सिमिति स्पेरिकल बा राउंड शेप बा स्पेरिकल शेप बैक्टीरिया को आम कॉकस बोली कहचे। सिमिति बासिलोस माने मु कौन बोली कही थी ना रोड शेप बैक्टीरिया, रोड देख ये राउंड जदि राउंड टाइप अच्छी माने कॉकस, ना जदि हमर रोड शेप अच्छी माने बासिलोस। स्पाइरिलो माने मुझे कौन बोली कही स्पाइरल शेप टिके स्कर्फ टिके स्पाइरल हो तो से जो स्पाइरल शेप बैक्टीरिया को मैं स्पाइरिलोम कही बुझा पड़ा। विब्रियो माने कौन थी कमा शेप बैक्टीरिया, कौन थी कमा माने जस्ट स्लाइटली ए टाइप कमा हो कमा शेप बैक्टीरिया। पुणी गोटे थी कौन दुईटा थी कौन से सब देखते ना टिके स्ट्रक्चर वाइज बुझीदे। देख देख पे फास्ट कौन थी आम कॉकी बा कॉकस बोली कह जाए जमीती कि गोटे थी कौन बोली कहते मोनोकॉकस कहते गोटे थी मोनोकॉकस, दुईटा थी डिप्लोकॉकस, ना जो गोटे लॉन्ग चेन होकर स्ट्रेप्टोकॉकस कहला ना गोटे ग्रुप होकर स्टेफाइलोकॉकस कहते। तो सेमें देख बासिली बासिली माने सिंगुलर प्लुरल हिसाब से बासिलोस, तो बासिलोस माने कौन देखते रोड शेप बैक्टीरिया सेमती सेम गोटे थी कौन मोनोबासिलोस, दुईटा थी डिप्लोबासिलोस, सेमें जब चेन होते स्ट्रेप्टोबासिलोस। देख डिप्लोबासिलोस एटा तुम स्ट्रेप्टोबासिलोस सेमती कौन अदर रे कौन स्पाइरल शेप थिला देखो स्पाइरल स्पाइरिला एटा देखो स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। पुणी विब्रियो माने कौन पड़ते कमा शेप बैक्टीरिया। देख एग्जांपल भी मुझे ना कॉकस कौन बोली कहती स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिया स्ट्रेप्टोकॉकस नामक बैक्टीरिया। सेमती बासिलोस गोटे भल एग्जांपल देती लैक्टोबासिलोस ना क्षीर रु दही हाँपाई बा मिल्क रु कड़ हाँपाई आमको किए रेस्पोन्सिबल कर लैक्टोबासिलोस, तो से कौ शेप थी रोड शेप थी। सेमती स्पाइरिलोम भी देती स्पाइरिलोम भल्यूटन्स, सेमती विब्रियो विब्रियो कलेरा। तो प्रत्येक बहुत सारा बैक्टीरिया अच्छे, तो आम नेम हिसाब से आम आइडेंटिफाई कर बैक्टीरिया कौ शेप रोचे। जदि कॉकस लगी माने शेप बैक्टीरिया थी, बासिलोस लगी माने रोड शेप, सेमती स्पाइरल थी स्पाइरिलोम हो कमा विब्रियो लगी कमा शेप बैक्टीरिया हम। तो प्रीवियस क्लास रे आम शेप ऑफ बैक्टीरिया कौन देखी तो आज आम कौन देखा ना आज आम टॉपिक हूँ बैक्टीरिया सेल स्ट्रक्चर माने गोटे प्रोकैरियोटिक सेल कौ टाइप थाए। अच्छा प्रोकैरियोट माने कौन बोले जहाँ ट्रू न्यूक्लियस नथिबो मु कौन बोली कही थी बैक्टीरिया ट्रू न्यूक्लियस नहीं बुझा पड़ा ना। आज आम टॉपिक हूँ बैक्टीरिया सेल स्ट्रक्चर देखा एवं बैक्टीरिया सेल स्ट्रक्चर। बैक्टीरिया सेल स्ट्रक्चर फास्ट बुझीजा तापर स्ट्रक्चर कर बुझा पड़ा पिले। देख बेसिकली आमर सेल को कवर करने गोटे आउटर मेम्ब्रेन थाए आम कौन बोली कहचे सेल मेम्ब्रेन बोली कहचे। पुणी आम देह कौन सेल वाल अच्छी कि आम सेल ना कि प्लांट रे कौन थी सेल मेम्ब्रेन गोटे एक्सट्रा कवरिंग थाए सेल वाल बोली कह जाए कि बैक्टीरिया कौन ताठू एडवांस। ये बैक्टीरिया सेल को कवर करने तीन टाइम लेयर थी कौन कौन थी ना फास्टा हूँ मोर सेल मेम्ब्रेन, सेकेंड लेयर हूँ मोर सेल वॉल, देन तीन नंबर लेयर हूँ मोर ग्लाइकोकैलिक्स। तीनटा लेयर थी बैक्टीरियल सेल को कवर करने तीनटा लेयर थाए जमीक आम सेल को कवर करने गोटे ही थाए सेल मेम्ब्रेन,
ସେମିତି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ୍କୁ କଭର କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟା ଥିବ, ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍, ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଉପରେ ସେଲ୍ ୱାଲ୍। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ବହୁତ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ, କାହିଁକି ସେ ନିଜକୁ ବି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବ, ତ ନିଜ ସେଲ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତା'ର ତିନୋଟି ଲେୟର୍ ଥିବ। କ'ଣ କ'ଣ ନା ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍, ସେଲ୍ ୱାଲ୍, ଗ୍ଲାଇକୋ କେଲିକ୍ସ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ପୁଣି ପିଲା? ଦେଖ ପୁଣି ଗ୍ଲାଇକୋ କେଲିକ୍ସ ପୁଣି ତୁମର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହୋଇପାରିବ। କ'ଣ ନା କଭର୍ଟା ତୁମର ହାର୍ଡ଼ ଅଛି ନା କଭର୍ଟା ତୁମର ସ୍ମୁଥ୍ ଅଛି। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ନା ଆଉଟର୍ ଲେୟର୍ଟା ବି ପୁଣି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହୋଇପାରିବ, ନା ସେ ହାର୍ଡ଼ ଅଛି ନା ସିଏ ସ୍ମୁଥ୍ ଅଛି। ଯଦି ପିଲେ ସେ ତୁମର ହାର୍ଡ଼ ଅଛି ତ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା, କ୍ୟାପ୍ସ୍ୟୁଲ୍ ବୋଲି କହିବା। କ'ଣ କହିବା? କ୍ୟାପ୍ସ୍ୟୁଲ୍। ଯଦି ଉପର ଲେୟର୍ଟା ଆମର ହାର୍ଡ଼ ଅଛି ମାନେ ତାକୁ ଆମେ କ୍ୟାପ୍ସ୍ୟୁଲ୍ ବୋଲି କହିବା, ନାହିଁ ଯଦି ତୁମର ଉପର ଲେୟର୍ଟା ସ୍ମୁଥ୍ ଅଛି ମାନେ ତାକୁ ସ୍ଲାଇମ୍ ଲେୟର୍ ବୋଲି କହିବା, ସ୍ଲାଇମ୍ ଲେୟର୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ୍ଲିଅର୍ ହେଲା ମୁଁ କ'ଣ ବୋଲି କହିଲି ନା ବେସିକାଲି ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ସେଲ୍କୁ କଭର କରିବା ପାଇଁ ବା ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତିନୋଟି ଲେୟର୍ ଥାଏ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭିତରେ ପୁରା ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ରେ ଥିବ ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍, ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ଉପରେ ଥିବ ସେଲ୍ ୱାଲ୍, ଦେନ୍ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ କଭରିଂ ଥିବ ଗ୍ଲାଇକୋ କେଲିକ୍ସ। ପୁଣି ଗ୍ଲାଇକୋ କେଲିକ୍ସ କେତେ ପ୍ରକାର ହୋଇପାରିବ? ଦୁଇ ପ୍ରକାର। କ'ଣ କ'ଣ? ଏଇଦର ସିଏ ହାର୍ଡ଼ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ତ ସିଏ ସ୍ମୁଥ୍ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ହାର୍ଡ଼ ରହୁଛି ମାନେ ତାକୁ କ୍ୟାପ୍ସୁଲ୍ କୁହାଯାଏ, ଯଦି ସ୍ମୁଥ୍ ରହୁଛି ମାନେ ତାକୁ ଆମେ ସ୍ଲାଇମ୍ ଲେୟର୍ ବୋଲି କହିବା। ଏତିକି ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ମୁଁ କ'ଣ ବୋଲି କହିଲି? କ୍ଲିଅର୍ ହେଲା? ଏବେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଆମେ ବନେଇବା। ଦେଖ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍, ତ ପିଲେ ଫାଷ୍ଟ ବନେଇଦେଲି ମୁଁ ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍, ତ ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଉପରେ କ'ଣ ଥିବ ବୋଲି କହିଲି ନା ସେଲ୍ ୱାଲ୍, ଇଏ ହେଉଛି ସେଲ୍ ୱାଲ୍। ପୁଣି ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ଉପରେ କ'ଣ ଥିବ? ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କଭରିଂରେ ଥିବ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛେ? ଗ୍ଲାଇକୋ କେଲିକ୍ସ। ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛେ? ଗ୍ଲାଇକୋ କେଲିକ୍ସ। ଯଦି ଗ୍ଲାଇକୋ କେଲିକ୍ସ ହାର୍ଡ଼ ରହିବ ମାନେ କ୍ୟାପ୍ସ୍ୟୁଲ୍, ଗ୍ଲାଇକୋ କେଲିକ୍ସ ସ୍ମୁଥ୍ ରହିବ ମାନେ ସ୍ଲାଇମ୍ ଲେୟର୍। ଲେଖିଦେବା ନା ପଏଣ୍ଟ କରିକି ଲେଖିବା ନା, ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ହେଉଛି ମୋର ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ହେଲା, ଦେନ୍ ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଅଛି ମୋର ସେଲ୍ ୱାଲ୍, ୱାଲ୍ଟାକୁ ଭଲସେ ଲେଖିଦେବା ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ହେଲା, ଦେନ୍ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ଉପରେ ଅଛି ମୋର ଗ୍ଲାଇକୋ କେଲିକ୍ସ, ଗ୍ଲାଇକୋ କେଲିକ୍ସ। ପୁଣି ପିଲେ ଗ୍ଲାଇକୋ କେଲିକ୍ସ କେତେ ପ୍ରକାର ହୋଇପାରିବ? ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଏଇଦର ଯଦି ହାର୍ଡ଼ ଅଛି ନହେଲେ ସ୍ମୁଥ୍ ଅଛି। କୁହ ହାର୍ଡ଼ ରହିଲେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା? କ୍ୟାପ୍ସ୍ୟୁଲ୍। ଯଦି ସ୍ମୁଥ୍ ରହିଲେ ଏଠି ଲେଖିଦେବା ନା, ଯଦି ହାର୍ଡ଼ ଅଛି ତାକୁ କହିବା ଆମେ କ୍ୟାପ୍ସ୍ୟୁଲ୍, ବ୍ରାକେଟ୍ ଭିତରେ ଲେଖିଦେବା। ଯଦି ସ୍ମୁଥ୍ ରହୁଛି ମାନେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସ୍ଲାଇମ୍ ଲେୟର୍, ସ୍ଲାଇମ୍ ଲେୟର୍। କେବେ ବି ପିଲେ ହାର୍ଡ଼ ସ୍ମୁଥ୍ ମିଶିକି ରହିବ ନାହିଁ, ଏଇଦର ହାର୍ଡ଼ ହୋଇଥିବ ନହେଲେ ସ୍ମୁଥ୍ ହୋଇଥିବ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଇଟା ଥିଲା ତା'ର ଆଉଟର୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍, କ୍ଲିଅର୍ ହେଲା? ପୁଣି ବାହାରେ ଅଛି, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଦେଖିଦେବା, ତା'ପରେ ଆଉଟର୍ନାଲ୍ ଆଉ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଟା ଦେଖିବା। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଏବେ ଭଲସେ ଦେଖ କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି ତୁମର ପିଲେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଭିତରେ। ଏଇଟା କ'ଣ? ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସେଲ୍ ପଡ଼ୁଛେ, ତା ଭିତରେ ପିଲେ ଏ ଟାଇପ୍ର ଗୁଡ଼ାକ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଥିବ, ଏ ଟାଇପ୍ର ଥିବ ହେଲା। ଆକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ନା ଆକୁ କୁହାଯାଏ ସର୍କୁଲାର କ୍ରୋମୋଜୋମ୍। କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ସର୍କୁଲାର କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ବା ଡିଏନ୍ଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସର୍କୁଲାର କ୍ରୋମୋଜୋମ୍। କ୍ଲିଅର୍ ହେଲା ପିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ବୋଲି କହିଲି? ଆଚ୍ଛା ଆମର କେମିତି ଥିବ? ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଭିତରେ ଆମର ଡବଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡିଏନ୍ଏ ଥାଏ, ତ ଏଇଠି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆରେ କ'ଣ ଆମେ କ'ଣ ପଡ଼ିଥିଲେ ଟ୍ରୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ନଥିବ, ତ ଏଇଠି ଟ୍ରୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ନଥାଏ, ତ କେମିତି ଥିବ? ବାହାରେ ହିଁ ତୁମର ଡିଏନ୍ଏ ଗୁଡ଼ାକ ସର୍କୁଲାର ହୋଇକି, ଡିଏନ୍ଏ କ'ଣ ପିଲେ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ କ'ଣ ଡିଏନ୍ଏ ଆଉ ପ୍ରୋଟିନ୍କୁ ନେଇକି ତୁମର ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ତ ଏଇଟା କ'ଣ ସର୍କୁଲାର କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଥାଏ, ଡିଏନ୍ଏ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ପିଲେ ୱିଦଆଉଟ୍ ହିଷ୍ଟୋନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍। ଏଇଟା ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ୱିଦଆଉଟ୍ ହିଷ୍ଟୋନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ସର୍କୁଲାର କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ବା ସର୍କୁଲାର ଡିଏନ୍ଏ। ଡିଏନ୍ଏ କାହିଁକି ଆମେ ଡିଏନ୍ଏ କହୁନେ ସର୍କୁଲାର କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ବୋଲି କହୁଛେ? ନା ଦେଖ ଡିଏନ୍ଏ ଆମ ବଡ଼ିରେ ସ୍ପେସିଆଲି ୟୁକାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍ରେ ଡିଏନ୍ଏ ଗୁଡ଼ାକ ହିଷ୍ଟୋନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ସହିତ ମିଶିକି ତୁମର କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ତିଆରି କରନ୍ତି, ତ ଏଠି କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ତ ତିଆରି ହୋଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରୋଟିନ୍ ନଥିବ, ତ ସର୍କୁଲାର କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ବି କହିପାରିବା, ସର୍କୁଲାର ଡିଏନ୍ଏ ବି କହିବା। ଯଦି ତୁମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ହିଷ୍ଟୋନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ସେଲ୍ରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା? ଆବସେଣ୍ଟ। କାହିଁକି ଏଠି କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ତିଆରି ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଓନ୍ଲି ଡିଏନ୍ଏକୁ ନେଇକି ତୁମର ତିଆରି ହେଉଛି, ସେଥିରେ ୱିଦ୍ଆଉଟ୍ ହିଷ୍ଟୋନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍, ହିଷ୍ଟୋନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ କିଛି ବି ନଥିବ।
क्लियर है ला? तो प्ले ए जो पूरा पर्सन को आम कौन बोली कहे ना पूरा पर्सन को आम न्यूक्लियोइड भी कहीपर कौन बोली कहीपर न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड कौन देख पिले न्यूक्लियोइड तुम्हार न्यूक्लियस भाया फंक्शन कर कौन बोली कही थी ना प्रोकैरियोटिक सेल रे बैक्टीरिया सेल रे ट्रू न्यूक्लियस आब्सेंट थी किंतु न्यूक्लियस फंक्शन आउ किए प्ले करथु जमीक ये न्यूक्लियस फंक्शन किए प्ले करूक्लीयर। तो मन रख बैक्टेरिया आमर न्यूक्लियर थी यूकैरियोटिक रे न्यूक्लियस थी कहीं ये जो सर्कुलर क्रोमोसोम गुड़ाक मन इच्छा बिछे कि पड़ी ये बुझा पड़ा पिले नेक्स्ट देख आउ कौन थी टी मन पक ये माइटोकॉन्ड्रिया थी कि ना माइटोकॉन्ड्रिया नु अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन कौन थी आमर रेस्पिरेसन रेस्पिरेसन मानते कौन जी एनर्जी या कार्बोहाइड्रेट को भांगिकी से एनर्जी रिलीज करा हूँ रेस्पिरेसन किंतु ये आपको भी दरकार विदाउट रेस्पिरेसन एनर्जी ना कौन बैक्टेरिया सर्वाइव करना किंतु ये कौन पिले तुम माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन आउ किए प्ले कर जमी न्यूक्लियस फंक्शन किए प्ले न्यूक्लियर कर तो एक्जाक्टली सेमती आर सेल वॉल पाखे देख टे बनईद ये लिभेद पूरा लिभिगला देख भल से बनवा देख ना आर जो पिले सेल वॉल पाखे ए टाइप फोल्ड फोल्ड हो स्ट्रक्चर गुड़ाक बाहर थे ए टाइप थी देख स्ट्रक्चर बाहर थी आपको पिले आम कौन बोली कहे मेजोजोम्स कह कौन बोली कहवा मेजोजोम्स मन रख पिले यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट जदि तुमको क्वेश्चन आसो जमी यूकैरियोटिक सेल रे रेस्पिरेशन किए कर माइटोकॉन्ड्रिया करमी बैक्टेरिया माइटोकॉन्ड्रिया जगार किए रेस्पिरेशन प्ले कर सी हूँ आमर मेजोजोम्स मन रख एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया एम फॉर मेजोजोम्स यूकैरियोटिक रे माइटोकॉन्ड्रिया प्ले कर प्रोकैरियोटिक बैक्टेरिया सेल रे मेजोजोम कौन हेल्प रेस्पिरेशन रे हेल्प कर कहीं पिले ना तुम ये पाखे कौन थी ना एंजाइम गुड़ाक लगे मेजोजोम्स एंजाइम गुड़ाक थी से एंजाइम गुड़ाक तुम रेस्पिरेसन करिबारे हेल्प करिबे एति बुझा पड़ा मुझे कौन बोली कहली मेजोजोम्स बुझल एब नेक्स्ट देखा आउ कौन थी कह एबे बैक्टीरिया सेल पाई जमीक बॉडी को एनर्जी दरकार बॉडी के कौन प्रोटीन भी दरकार पिले तो सेवेराल प्रोटीन गुड़ाक थे भल से स्ट्रक्चर बनईद ए टाइप प्रोटीन गुड़ा स्ट्रक्चर गुड़ाक कौन पिले गुड़ाक मुझको बतैयापी ए टाइप स्ट्रक्चर कली कि एक्जाक्टली सेम पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर थी डट 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 हो पूरा थी तो कौन ये हूँ तुम राइबोजोम्स कौन बोली कहे ना राइबोजोम्स कहे राइबोजोम्स अच्छा राइबोजोम काम कौन पिले प्रोटीन तैयारी करवा तुम्हें कौन बोली कहे राइबोजोम इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस राइबोजोम तुम प्रोटीन तैयारी करूनी राइबोजोम तुम प्रोटीन तैयारी होती राइबोजोम को आम कौन बोली कहते प्रोटीन फैक्ट्री कहते कि पिले राइबोजोमटा सब ऑर्गेनिज्म रे प्रेजेंट थी कहीं आम बॉडी को कौन दरकार प्रोटीन दरकार तो प्रोटीन किए तैयारी कर ना राइबोजोम प्रोटीन तैयारी हम हेले तुमको यूँ क्वेश्चन कौन आसो ना बैक्टेरियल सेल रे कौ टाइप राइबोजोम थाए बेसिकली पिले राइबोजोम दुई प्रकार गुट तो 50S राइबोजोम इटिक लिखिद देख बेसिकली पिले देख राइबोजोम आमर दुई प्रकार जाणि थो कहीं प्रोकैरियोटिक पढ़ुचे कौन कौन ना गोटे हूँ आमर 70S राइबोजोम आ गोटे हूँ मोर 80S राइबोजोम 70S राइबोजोम मानी कौन पिले फास्ट गोटे स्मलर यूनिट सहित गोटे लार्जर यूनिट थी जमीक 70S स्मलर आमर स्मलर थी वेट भल से बनवा हो आउ थे बनईदे देख लार्जर स्मलर बनईद है तुम्हें बुझापी मुझे बनई दूँ तो देखो पिले फास्ट ए टाइप थी देख ये टी लार्ज अच्छी ये टी स्मल अच्छी तो लार्जरटा होमर 50S स्मलरटा होमर 30S एक्जाक्टली 80S कौन हो लार्जर बनईद बनईदे तो लार्जर कौन हो 60S स्मलर होमर 40S तो बुझा पड़ा पिले 70S टा तो आमर बैक्टेरिया 70S टाइप राइबोजोम थाए बुझा पड़ी मुझे कौन बोली कहली पुणी 70S कौट थी यूकैरियोट्रे 70S थी कि कौट थी माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट ए दुईटा तुम 70S थी कहीं ना से मानकर ऑन राइबोजोम थाए ऑन डीएनए थाए
क्लीयर हेल्ला कौन बोली कहली से नेक्स्ट में पढ़ा तो ये बेसिकली आम कौन दरकार ना बैक्टेरिया कौ टाइप राइबोजोम थाए तो बैक्टेरिया आमर 70S राइबोजोम थाए देख प्रीवियसटा देख तो ये मुझे बनईदेली तुमको बुझाप राइबोजोम गुड़ाक तो कौ प्रकार थी ना 70S राइबोजोम थी क्लीयर हेल्ला कौन बोली कहली आ गोटे जिनस पीले तुम बैक्टेरिया तुम ए टाइप एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर गुटे थाए आपको कौन बोली कहुए ना यहाँ हूँ पिले आमर प्लाज्मिड आपको आम कौन बोली कहचे ना प्लाज्मिड बोली कहचे क्लीयर हेलो तो प्लाज्मिड कौन पिले एक्स्ट्रा क्रोमोजोम आम बॉडी रे कौन एक्स्ट्रा क्रोमोजोम अच्छे कि आम बॉडी रे एक्स्ट्रा क्रोमोजोम नहीं किंतु बैक्टीरिया सेल बा बैक्टीरिया रे बॉडी रे वन टाइप ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोजोम थाए जाकु का में कौन बोली कहचे पिले प्लाज्मिड बोली कहचे तो ये टी देखीद प्लाज्मिड कौन देख देख प्लाज्मिड हूँ पिले मेन तो ये कौन एक्स्ट्रा क्रोमोजोम्स जोटा कि ओनली कौटी थी आमर बैक्टेरिया थाए पुणी कौन पिले सेल्फ रेप्लिकेटिंग निजे निजे ये रेप्लिकेशन करिपारिबो सेल्फ रेप्लिकेटिंग माने कौन पिले रेप्लिका माने होची आमर कॉपी ये निजर आइडेंटिकल कॉपी निजे तैयारी करि पारथुबो निजे रेप्लिकेट हो पारथुबो सेकेंड कौन पिले सर्कल हो ना सर्कुलर डीएनए डीएनए टाइप थी ना ना तो यहाँ हूँ गोटे प्लाज्मिड्र क्यारेक्टर जी कि आम बैक्टेरिया एक्स्ट्रा क्रोमोजोम रूप में थाए पुणी सर्कुलर होए पुणी कौन सेल्फ रेप्लिकेटिंग माने निजे ही निजर आइडेंटिकल कॉपी या बुझा पड़ चेपी पिले आमर प्लाज्मिडा बहुत कम आसे आम जो नौ कि भी ट्राए करने जमी बायोटेक केस कि भी जब आम आडभांस कौन यूज करने कले आम बैक्टेरिया प्लाज्मिड को आम यूज करना से हूँ एक्स्ट्रा क्रोमोजोम आम बॉडी प्लाज्मिड को काटदे बैक्टेरिया को किसी इफेक्ट पड़े ना क्लीयर हेलो नेक्स्ट पिले अच्छा आउ कौन रही देख ना बैक्टेरिया अच्छा सब बैक्टेरिया कौन खाद्य प्रस्तुति करना किंतु कौन किसी बैक्टेरिया खाद्य प्रस्तुति करो किसी बैक्टेरिया भी तुम खाद्य प्रस्तुति करने कौन थी क्लोरोफिल पिगमेंट गुड़ाक थी ए टाइप स्ट्रक्चर थी आपको आम कौन बोली कहचे ना क्रोमाटोफोर बोली कहचे कौन कौचे आम क्रोमाटोफोर ना किसी बैक्टेरिया कौन गुड़ाक थी ना क्लोरोफिल पिगमेंट थी तो से कौन थी क्रोमाटोफोर थी क्लीयर हेलो पिले एति बुझा पड़ा मुझे कौन बोली कहली तो आउरी पुणी स्ट्रक्चर थी देख तुम बैक्टेरिया पिले मूवमेंट भी करिपारे सब बैक्टेरिया मूवमेंट आए कि किसी बैक्टेरिया आम मूवमेंट करिपारंती तो से गोटे स्ट्रक्चर टे थाए ए टाइप स्ट्रक्चर टे थी है आपको आम कौन कहे पिले ना आपको आम कहे ये लिखिद उपरे ना आपको आम कहे फ्लाजेला कौन बोली कहचे फ्लाजेला बोली कहचे तो बैक्टेरिया को गोटे जगार अगर जगह को मूवमेंट करने किए हेल्प करे फ्लाज ए सपोज बैक्टेरिया अच्छी पिले ये तर फ्लाजेला लगे तो ये गोटे जगह अगर जगह को मूव करार हेल्प करे पुणी आउ गए किसी भी स्ट्रक्चर तुम ए टाइप अच्छे देख ए टाइप स्ट्रक्चर गुड़ाक थी ए टाइप स्ट्रक्चर थी आपको आम कौन कह पे देख ए टाइप स्ट्रक्चर गुड़ाक थी पतला पतला हेयर लाइक स्ट्रक्चर गुड़ाक थी आपको आम एक्जाक्टली स्ट्रक्चर टा बनईद देख से टाइप भल से बनईद जोड़ा तुम बुझे इजी हम तो किसी आम हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी ए टाइप थाए आपको आम कौन बोली कौचु सिलिया कौचु कौन बोली कौचु सिलिया तो तुम फ्लाजेला आउ तुम सिलिया कौन हेल्प करती मूवमेंट करिवारे हेल्प करती ता सहित तुम किसी अलग टाइप स्ट्रक्चर भी थी आम पिलाई बोली कहवा कौन बोली कहवा पिलाई बा पाइलोस बोली कहुए पिलाई कौन पे हेल्प करे ना जो आम कंजुगेशन पढ़ा जोड़ा कि मुझे तुम ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आबसेंट थी तागर कौन थी जेनेटिक रिकम्बिनेशन थी तो से जो जेनेटिक रिकम्बिनेशन तीन टाला से आम पिलाईर काम कौन ये स्पेशली तुम रिप्रोडक्शन में हेल्प कर तार मानते जो जेनेटिक रिकम्बिनेशन वाला तो सर नेक्स्ट टाइम देखा तो आ गोटे कौन अच्छा बैक्टेरिया कौन कार सरफेस को अटाच ना कि सरफेस सहित अटाच करवाक थी तो सरफेस अटाच करने बैक्टेरिया तुम कौन फिंगर लाइक टाइप स्ट्रक्चर गुड़ाक थी फिंगर टाइप स्ट्रक्चर ताको आम फिम्ब्री आई बोली कहचे ताको आम कौन बोली कहचे फिम्ब्री आई
ହିମ୍ବ୍ରି ଆଇ ବୋଲି କହୁଛେ। ବୁଝାପଡ଼ିଲା ମୁଁ କ'ଣ ବୋଲି କହିଲି ନା? ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟରୁ ଦେଖିଦେବା, ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆରେ କ'ଣ ଥାଏ? ଫାଷ୍ଟ ତ ପିଲେ ଆଉଟର ତିନିଟା ଲେୟର ଥିବ, କ'ଣ କ'ଣ ନା ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍। ଦେଖ ଲେଖିଛି ଏଠି, ଗୋଟେ ତ ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍, ନେକ୍ସଟ ସେଲ୍ ୱାଲ୍, ତା ଉପରେ ଥିବ ଗ୍ଲାଇକୋକେଲିକ୍ସ। ଯଦି ଗ୍ଲାଇକୋକେଲିକ୍ସ ହାର୍ଡ଼ ଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ କ୍ୟାପ୍ସୁଲ୍ ବୋଲି କହିବା, ଗ୍ଲାଇକୋକେଲିକ୍ସ ସ୍ମୁଥ୍ ଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ସ୍ଲାଇମ୍ ଲେୟର୍ ବୋଲି କହିବା। ଏତିକି ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଥିବ ନା ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଥିବ, ତାକୁ ଆମେ ଫ୍ଲାଜେଲା ବୋଲି କହୁଛେ। ଆଉ କେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି ମୁଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ? ହେୟାର୍ ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ତାକୁ ଆମେ ସିଲିଆ ବୋଲି କହିବା। କ୍ଲିୟର ହେଲ? ଗୋଟେ ତ ଫ୍ଲାଜେଲା ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସିଲିଆ ଅଛି। ଏ ଦୁଇଟା କେଉଁଥିରେ ହେଲ୍ପ କରିବେ ନା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆରେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରିବେ। ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କ'ଣ ଖାଲି ଆମ ଚାରିପଟେ ହିଁ ଅଛି କି? ପାଣିରେ ବି ଥିବ। ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆର୍ ଓମିନି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ସେ ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିବ। ତ ତାକୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଫ୍ଲାଜେଲା ଆଉ ଆମର ସିଲିଆ ହେଲ୍ପ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପିଲେ? ସର୍ଫେସ୍ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ, ତୁମର ଯେଉଁ ଫିମ୍ବ୍ରିଆଇ, ଫିମ୍ବ୍ରିଆଇ ମାନେ କ'ଣ? ଫିଙ୍ଗର ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଏମିତି ମନେ ରଖ, ଫିଙ୍ଗର ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଫିମ୍ବ୍ରିଆଇ ନା, ସେ କେଉଁଥିରେ ହେଲ୍ପ କରିବ ପିଲେ ନା ସର୍ଫେସ୍ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ, ମାନେ ଗୋଟେ ସର୍ଫେସ୍ରେ ଯାଇକି ତାକୁ ଧରିବାରେ, ହୋଲ୍ଡ କରିବାରେ ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଆମର ପିଲାଇ, ପିଲାଇ ମୁଁ କ'ଣ ବୋଲି କହିଲି ନା ସିଏ ଆମର ଜେନେଟିକ୍ ରିକମ୍ବିନେସନ, ତା'ର ଆମେ କଞ୍ଜୁଗେସନ୍ରେ କ'ଣ ସେ ତା'ର ହେଲ୍ପ ଆମେ ଦେଖିବା, ବେସିକାଲି ସେ ରିପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କେସ୍ରେ ହେଲ୍ପ କରିବ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବା? ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ କ'ଣ ରହିବ? ସର୍କୁଲାର କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଅଛି, ପୁଣି କେମିତି ତିଆରି? ଓନ୍ଲି ଡିଏନ୍ଏରେ ତିଆରି, ତ ଖୋଲା ଡିଏନ୍ଏ ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ବିଛେଇକି ପଡ଼ିଥିବ, ୱିଦାଉଟ୍ ହିଷ୍ଟୋନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍, ସେଥିରେ ହିଷ୍ଟୋନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ନଥିବ। କ୍ଲିଅର୍ ହେଲ? ତ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଥିବ? ରାଇବୋଜମ୍ ଥିବ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ରାଇବୋଜମ୍ ନା 70S ଟାଇପ୍ର ରାଇବୋଜମ୍, ମନେ ରଖ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆରେ ଆମର 70S ଟାଇପ୍ର ରାଇବୋଜମ୍ ଥାଏ। ରାଇବୋଜମ୍ କ'ଣ କରିବ ନା ପ୍ରୋଟିନ୍ ସିନ୍ଥେସିସ୍ରେ ହେଲ୍ପ କରିବ। ପୁଣି ଆମର କ'ଣ ରହିଲା? କ୍ରୋମାଟୋଫୋର, କ୍ରୋମାଟୋଫୋର୍ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ? ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆମାନଙ୍କର କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ପିଗମେଣ୍ଟ ଥାଏ, ଏ ଟାଇପ୍ର କ୍ରୋମାଟୋଫୋର୍ ନାମକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଥିବ। ସବୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କ'ଣ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିପାରନ୍ତି କି? ନାଇଁ, କିଛି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ତୁମର ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିପାରନ୍ତି। ଏତିକି କ୍ଲିଅର୍ ହେଲ? ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ରହିଲା? ପ୍ଲାଜମିଡ଼ ପିଲେ, ଦେଖ ପ୍ଲାଜମିଡ଼ ମାନେ କ'ଣ ରେ? ମୁଁ କ'ଣ ବୋଲି କହିଲି ନା ପ୍ଲାଜମିଡ଼ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ରୋମୋଜୋମ୍, ଯେଉଁଟାକି ଓନ୍ଲି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ସେଲ୍ରେ ହିଁ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ପ୍ଲାଜମିଡ଼କୁ କାଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ କିଛି ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ସେ ହେଉଛି ତା'ର ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ରୋମୋଜୋମ୍, ଯେଉଁଟାକି ସର୍କୁଲାର ହେଇକି ଥିବ ଆଉ ସେଲ୍ଫ ରେଟିଂ ନିଜେ ହିଁ ସେ ରେପ୍ଲିକେସନ୍ କରିପାରୁଥିବ। ତ ଲାଷ୍ଟ ରହୁଛି ଆମର ମେଜୋଜୋମ୍ସ। ତ ମେଜୋଜୋମ୍ସ କ'ଣ ରେ? ମୁଁ କ'ଣ ବୋଲି କହିଲି ମେଜୋଜୋମ୍କୁ? ମେଜୋଜୋମ୍ କ'ଣ କରିବ? ରେସ୍ପିରେସନ୍ରେ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଯେମିତିକି ଆମ ସେଲ୍ରେ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ରେସ୍ପିରେସନ୍ରେ ହେଲ୍ପ କରେ, ସେମିତି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆରେ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଜାଗାରେ ମେଜୋଜୋମ୍ସ ରେସ୍ପିରେସନ୍ର ପ୍ଲେ କରିବ। ପୁଣି ପିଲେ ମେଜୋଜୋମ୍ସ ତୁମର ଆହୁରି ବି ହେଲ୍ପ କରିବ, ଏ ଯେଉଁ ଫର୍ମେସନ୍ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ତିଆରି କରିବାରେ ବି ହେଲ୍ପ କରିବ, ପ୍ଲସ୍ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଡିଭାଇଡ଼୍ ହେଉଛି, ଏ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଫର୍ମେସନ୍ ହେବ ସେଲ୍ ୱାଲ୍, ଡିଭାଇଡ଼୍ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ହେଲ୍ପ କରିବ। ତ ମେଜୋଜୋମ୍ର ରୋଲ୍ଟା ବହୁତ ରହୁଛି। ପୁଣି ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ କହିଥିଲି, ଟ୍ରୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ? ତ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଜାଗାରେ କିଏ ଫଙ୍କସନ୍ କରୁଛି? ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟଏଡ୍ ଫଙ୍କସନ୍ କରୁଛି। ତ ଏଇଠି ସବୁ ଅଲଗା, ଯେମିତି ଆମର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଅଛି ସେମିତି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟଏଡ୍ ଅଛି, ଯେମିତି ଆମର ରେସ୍ପିରେସନ୍ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ହେଉଛି ସେମିତି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆରେ ଆମର ମେଜୋଜୋମ୍ସ ହେଉଛି। ତ ଏତିକି ଥିଲା ତା'ର ସେଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍, ଏବେ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିଦେବା। ଦେଖ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସେଲ୍ର ଡାଇଗ୍ରାମ୍, କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖ। କ'ଣ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥିଲି? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଉଟର୍ ଲେୟର୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲା, ତ କେତେଟା ଲେୟର୍ ଥିଲା? ତିନିଟା ଲେୟର୍। କ'ଣ କ'ଣ ନା ଭିତରଟା ହେଉଛି ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍, ଦେନ୍ ତା ବାହାରେ ଆମର କ'ଣ ରହିଲା? ଦେଖ ସେଲ୍ ୱାଲ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଲ୍ ୱାଲ୍, ଦେଖ ଭିତରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇଟା ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସେଲ୍ ୱାଲ୍, ଉପରଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଗ୍ଲାଇକୋକେଲିକ୍ସ। ଏଇଟା ରୁହ, ୱେଟ୍, ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ବନେଇଦେବା, ପୁରା କ୍ଲିୟର୍ କରିଦେବା। ନା ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ହେଉଛି ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍, ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ଲେୟର୍ ଅଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସେଲ୍ ୱାଲ୍, ପୁରା ଆଉଟର୍ଟା ହେଉଛି ମୋର ଗ୍ଲାଇକୋକେଲିକ୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଗ୍ଲାଇକୋକେଲିକ୍ସ ବି ପୁଣି କେତେ ପ୍ରକାର ହେଇପାରିବ ପିଲେ? ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଏଇଦର ଗ୍ଲାଇକୋକେଲିକ୍ସ ତୁମର ରଫ୍ ହେଇପାରିବ, ରଫ୍ ବା ହାର୍ଡ଼ ହେଇପାରିବ, ନହେଲେ ଗ୍ଲାଇକୋକେଲିକ୍ସ ତୁମର ସ୍ମୁଥ୍ ହେଇପାରିବ। ଯଦି ରଫ୍ ହେଉଛି ମାନେ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଥିଲେ? କ୍ୟାପ୍ସ୍ୟୁଲ୍। ଯଦି ତୁମର ଉପର ପାର୍ଟଟା ହାର୍ଡ଼ ଅଛି ବା ରଫ୍ ଅଛି ମାନେ ତାକୁ ଆମେ କ୍ୟାପ୍ସୁଲ୍ ବୋଲି କହିବା, ନାହିଁ ଯଦି ତୁମର ସ୍ମୁଥ୍ ଅଛି ମାନେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଥିଲେ? ସ୍ଲାଇମ୍ ଲେୟର୍ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ସ୍ଲାଇମ୍ ଲେୟର୍। ଏତିକି ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ପିଲେ, ସରିଲା ସେଲ୍ ୱାଲ୍, ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍, ଗ୍ଲାଇକୋକେଲିକ୍ସ, ଆଉଟର୍ ପାର୍ଟ ସରିଲା। ତ ବାକିରେ ଯେତିକି ବି ପିଲେ ଭିତର ପାର୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା ସାଇଟୋସୋଲ୍ କୁହାଯାଏ। ତ ଭିତରେ ସବୁ ଯେତିକି ବି ଅଛି ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ୍। ଏବେ ଦେଖ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ୍ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖ, ମୁଁ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥିଲି? ଦେଖ ପ୍ଲାଜମିଡ଼ ଡିଏନ୍ଏ ଅଛି ନା ନାହିଁ?
प्लाज्मिड डीएनए कौन प्लाज्मिड डीएनए बोली कोई थी ना ये हूँ एक्स्ट्रा क्रोमोजोम बैक्टीरिया रो वन टाइप ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोजोम थाए जे कि हमरो एक्स्ट्रा क्रोमोजोम टिके रुओ एक्स्ट्रा क्रोमोजोम आउ कौन थी वो बिले सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेल्फ निजरो कॉपी निजे बनाउ थुबो देन सर्कुलर हेकि थिबो एतिक आमे देखिले बुझा पड़ला तो ना नेक्स्ट कौन देख पिले ये हूँ क्रोमोजोमल डीएनए मु कौन बोली कही सर्कुलर क्रोमोजोम ये ही तुम सर्कुलर क्रोमोजोम देख किमी फ्रीली तुम पड़ी सर्कुलर क्रोमोजोम देख पूरा चारिया देख किमी फ्रीली मुव पड़ी बुझा पड़ला आउ कौन पिले प्रोटीन अच्छे ना नथिबो विदाउट हिस्टोन प्रोटीन ये तुम प्रोटीन नथिबो क्लियर है पुणी देख ये बाहर देख देख सेल मेम्ब्रेन रो तुम फॉर्मेशन हो ना ये कौन ये हूँ मेजोजोम्स तो मेजोजोम्स कहार रोल प्ले कर माइटोकोंड्रिया रोल प्ले कर नार फंक्शन कौन पिले रेप्लिकेशन ये आमर रेप्लिकेशन सॉरी रेप्लिकेशन ना ये आम कौ थे हेल्प कर हेल्प कर मेजोजोम्स हेल्प कर रेस्पिरेसन कौ थे हेल्प कर रेस्पिरेसन क्लीयर है मुझे कौन बोली कहली खाली रेस्पिरेसन हेल्प कर कि ना सेल वॉल फॉर्मेशन रे मध्य हेल्प कर सेमती पुणी तुम डिवाइड ग्रोथ हो डिवाइड होगा बेलू ये हेल्प कर तो मेजोजोम्स रोल्सटा अधिक रोचे क्लीयर है पुणी इनक्लूजन बॉडी गुड़ाक अच्छी तापर देख राइबोजोम अच्छी तो राइबोजोम कौ टाइप थी 70S टाइप राइबोजोम थी कौ टाइप थी 70S टाइप राइबोजोम थी क्लीयर है मुझे कौन बोली कहली पुणी देख 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 पिले देखु देख फ्लाजेला ये हूँ फ्लाजेलम बाकू फ्लाजेला बोली कहा जाए तो फ्लाजेला कौ थे हेल्प कर ना ये आम मुवमेंट करेल्प कर मुवमेंट हेल्प कर क्लीयर है मुझे कौन बोली कहली ना फ्लाजेला हेल्प फर मुवमेंट पुणी इटे किसी हेड लाइक स्ट्रक्चर गुड़ाक थी आम कौन बोली कहते सिलिया बोली कहते कौन कहते सिलिया सिलिया कौ थे हेल्प कर मुवमेंट हेल्प कर तो देख ये कि स्ट्रक्चर गुड़ाक अच्छी यहाँ हूँ आमर पिलाई आ कौन बोली कहुए पिलाई बोली कहुए तो सेमती किसी बैक्टेरिया तुम फिंगर लाइक स्ट्रक्चर गुड़ाक से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को आम कौन बोली कहते ना फिम्ब्रियाई बोली कहते फिम्ब्रियाई भी कहते क्लीयर है पे मुझे कौन बोली कहली एत बुझा पड़ला ना फ्लाजेला है आमर सिलिया कौन हेल्प कर मुवमेंट गोटे जगार अगर जगह को जबार हेल्प करेंगे तो सेमती पिलाई तुम रिप्रोडक्शन हेल्प कर जोटा कि आम कंजुगेशन देखा तो देन तुम फिम्ब्रियाई जे कि अटैचमेंट टू द सरफेस सरफेस लेखिदे नी आम सरफेस अटैचमेंट हेल्प कर सरफेस अटैचमेंट माने गुड सरफेस रे होल्ड करके रखा ये आम फिम्ब्रियाईटा हेल्प कर क्लीयर है फास्ट जान दे आउटर लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन माने जहाँ सेल मेम्ब्रेन माने ता सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल ग्लाइकोकेलिक्स हार्ड थिले कैप्सूल स्मूथ थिले स्लाइम लेयर तो भितर कौन ये देख किसी देनी किंतु किसी बैक्टीरिया तुम ए टाइप स्ट्रक्चर भी थी आम कौन बोली कहते क्रोमाटोफोर ता कौन बोली कहते क्रोमाटोफोर कहते कौन पिले क्रोमाटोफोर ना जो बैक्टीरिया माने फूड प्रिपेयर करेंगे से बॉडी कौन थी क्लोरोफिल पिगमेंट थी तो से जो क्लोरोफिल पिगमेंट जो थी आम क्रोमाटोफोर बोली कहे तो एतिकला आम बैक्टेरिया सेल डायग्राम क्लीयर है मुझे कौन बोली कहली तो नेक्स्ट देखा आम कौन ना बैक्टेरिया कौन न्यूट्रिशन रोचे न्यूट्रिशन माने कौन पिले पोषण जमीती कि दुई प्रकार आम बेसिकाली देखते ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक माने कौन जीए निज खाद्य निजे प्रस्तुति हेटरोट्रॉफिक माने कौन जीए निज खाद्य निजे प्रस्तुति न करपारी अन्य ऑर्गेनिज्म उपर डिपेंड कर क्लीयर है पुणे ऑटोट्रॉफिक रे भी आम के देखते दुई प्रकार देखा कौन कौन ना फोटोसिंथेटिक कौन आउ केमोसिंथेटिक कौन तो बैक्टीरियल न्यूट्रिशन आम नेक्स्ट क्लास पढ़ा ठीक अच्छे थैंक यू चैनल को सब्सक्राइब करियो।